हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ शालिनी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एम कैफ़ीन का नकेड एंड रो कॉफ़ी फेस वॉश। और ये बहुत नॉर्मल सा फेस वॉश है, किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए नहीं है। अगर एक्ने बोले या फिर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स है या फिर आप पिगमेंटेशन का कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, अगर आपकी स्किन पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और आप एक नॉर्मल सा फेस वॉश सर्च कर रहे हैं जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करे, ग्लो लाए, तो ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है। क्योंकि मेरी स्किन पे कुछ टाइम पहले एक्ने हुआ था, तो मैंने ना कुछ और फेस वॉश यूज़ किए थे, बट उनको रेगुलरली यूज़ नहीं किया जा सकता। वो एक चीज़ के लिए, जैसे आप मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जब बीमारी ख़त्म हो जाए तो उसका बंद कर दो, बट ये ऐसा है कि आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। आपके फेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको नॉर्मल चाहिए, तो ये वाला आप इस यूज़ करके देखिए। और जो आपकी स्किन पे जैसी भी प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम मींस कि आप बाहर से आते हैं, मेकअप भी रहता है, पॉल्यूशन इतना फेस पे रहता है, पसीना है, डर्ट है, उन सबको क्लीन करने के लिए परफेक्ट फेस वॉश है। नॉर्मल टू ऑयली स्किन वाले आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, सेंसिटिव ड्राई एंड सेंसिटिव है, या कॉम्बिनेशन है, जैसी भी है, सबके साथ ये बहुत अच्छा वर्क करती है। 100 ml इसकी क्वांटिटी है। प्राइस की मैं बात करूँ तो ये 295 मिल जाता है, बट इसके जो MRP प्राइस है वो है 349 लिखा हुआ है। और ये अगर मैं बोलूँ ना, तो ये मैंने इसको पहले इतना बड़ा यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डरती हूँ कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाने से पहले। तो मेरे पास ना एक सैंपल था इस टाइप से, तो ये मैंने पहले यूज़ किया और ये मुझे है ना इतना अमेजिंग लगा ना यूज़ करने पे, तब मैंने इसको ये वाला ऑर्डर किया। ये मेरे बॉडी बटर और स्क्रब के साथ सैंपल आया था, जिसमें स्क्रब और फेस पैक वगैरह था। तो इसको यूज़ करने के बाद जब मुझे इतना अच्छा इफ़ेक्ट मिला ना, तब मैंने इसे ऑर्डर किया। और ये बहुत सही वाला फेस वॉश है। आप मतलब किसी भी एज ग्रुप में और आपने फेस वॉश यूज़ करना शुरू कर दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी स्किन पर, तो इसे यूज़ करना शुरू कर दो। ये बहुत अच्छा है, स्पेशली ये कॉफ़ी का है, तो जो कॉफ़ी होता है ना, वो हमारी स्किन का है ना, स्किन को ब्राइट बना देता है। मैं बहुत सारे फेस पैक में इसे यूज़ करती हूँ और अपने चैनल पर बहुत ऐसी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें कॉफ़ीज़ वगैरह मिला करके आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। बाकी सारी चीज़ें दोनों में ही आपको मेंशन हो जाएगी, कार्डबोर्ड में भी और इसमें भी। बस जो नहीं है वो यहाँ है, जो आपको बताता है कि आपकी स्किन पे वर्क क्या करेगा। और नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, नहीं, आपकी स्किन पे जो भी पफिनेस रहता है या फिर डलनेस आ जाती है स्किन पे, उन सब के लिए ये परफेक्ट है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है, बहुत परफेक्ट मुझे ये लगा यूज़ करने के है। और बहुत कम क्वांटिटी, मतलब मैंने जितना लिया है ना उतना ही क्वांटिटी लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। आप सोचे कि इससे बहुत ज़्यादा आपके फेस पे झाग हो जाएंगे, तो वो नहीं है, थोड़ा सा ही क्वांटिटी इसका लेना है, चाहे झाग हो या ना हो। बहुत ज़्यादा लोगे तो हो जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कम में भी ये उतना ही काम करेगा और बहुत अच्छा वर्क करता है। फर्स्ट यूज़ में ही हमें अपनी स्किन ना ग्लोइंग लगती है, फर्स्ट यूज़ में ही पता चल जाता है इसका इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट की मैं बात करूँ तो इफ़ेक्ट ही है, साइड इफ़ेक्ट मुझे इसके देखने को नहीं मिले हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि यूज़ करने के बाद कुछ मुझे फील हुआ हो कि मुझे कुछ दाने हुए हैं या पिंपल्स एक नया निकल आया हो, कोई पिंपल आया है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मुझे लगा। और अगर मेरे फेस पे एक आधा पिंपल होता भी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे घबराहट नहीं होती है, क्योंकि अभी मेरा बेटा छोटा है तो फेस पे हाथ लगाता है, तो उसकी वजह से भी मुझे कई बारी पिंपल हो जाते हैं। बट अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सूट नहीं आता है, तो उसके
लगाने के जस्ट थोड़ी देर बाद या उसके अगले दिन उसका साइड इफेक्ट नज़र आ जाता है, तो इसलिए इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और जहाँ तक अगर मैं स्मेल की बात करूँ ना, कि बहुत सारे लोग स्मेल पर ध्यान देते हैं, तो किसी को अच्छा लग सकता है और किसी को अच्छा नहीं लगेगा, तो स्मेल इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि स्मेल कैसा है। मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था, लिंक मैं दे दूंगी, बट आप अपनी तसल्ली के लिए जिस भी साइट से अपने लिए ऑर्डर करते हैं उस साइट से कर सकते हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसका यूज़ करके ज़रूर देखना, ग्लो डेफिनेटली नज़र आता है फेस पर। प्राइस वगैरह सब कुछ ऊपर नीचे होता है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने 295 बोला है तो उतने रहेगा, उससे कम, बहुत कम भी मिल सकता है, ऑफ़र में मिल सकता है। कई बार ऑफ़र में निकलता है, बाय वन गेट वन फ्री मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसके लिए, तो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका बॉडी बटर स्क्रब यूज़ किया था, अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। स्क्रब तो इसका बहुत ही अच्छा है, मैं मतलब हफ्ते में एक बार यूज़ करती हूँ। फेस के लिए नहीं है, बॉडी के लिए स्क्रब है, तो वो मैंने लिया था, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। फेस वॉश एक बार आप यूज़ करके ज़रूर देखना। इसके सैम्पल जो है वो भी मिलते हैं, जैसे ये है 20 ml का, तो ये भी इनफ है। आप इसको ख़रीदने से पहले एक सैंपल वाला अगर परचेज़ करके देखना चाहते हैं, तो एक बार सैंपल वाला यूज़ करके देखना कि आपकी स्किन पे सूट आता है या नहीं, क्योंकि मे बी ऐसा हो जाए कि ना आए, बट ऐसा बहुत कम पॉसिबल है कि सूट ना आए, तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, डेफिनेटली करेगा, ट्राई करके ज़रूर देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगे, कुछ हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स।